नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आपको चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी समाधान के बारे में बताते हैं। बहुत सी शारीरिक समस्याओं को दूर करने हेतु हम आपको बहुत से घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपका सही स्वास्थ्य और सुखी जीवन ही हमारा उद्देश्य है। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं पेट के कीड़ों का काल है ये घरेलू उपाय। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पेट के कीड़ों को कैसे दूर किया जाए। गंदे और अशुद्ध भोजन के कारण आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके कारण पेट में गैस, बदहजमी, जिसकी वजह से पेट में बहुत सी समस्याएं होने लगती है। दोस्तों, ऐसी समस्या बच्चों में अधिक होती है, जबकि बड़ों की आंतों में भी कीड़े हो सकते हैं। ये लगभग 20 प्रकार के होते हैं, जिसके कारण रोगी को बेचैनी, पेट में गैस बनना, दिल की धड़कन असामान्य होना, बदहजमी, पेट में दर्द, बुखार आदि समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण रोगी को खाने में रुचि नहीं होती और उसे चक्कर आने लगते हैं। और ये सारी समस्याएं अशुद्ध भोजन खाने से हो जाती हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आइए आपको बताते हैं। अजवाइन, अजवाइन का सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके लिए अजवाइन का चूर्ण 0.5 ग्राम और उतना ही गुड़ में गोली बनाकर दिन में 3 बार इसका सेवन मरीज को कराएं। अजवाइन में एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं, जो कीड़ों को समाप्त कर देते हैं। अजवाइन का सेवन 2-3 दिन करने पर कीड़े पेट से पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। काला नमक, चुटकी भर काला नमक और 0.5 ग्राम अजवाइन चूर्ण मिला लीजिए। इस चूर्ण को रात के समय रोजाना गर्म पानी से लेने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। अगर बड़ों को यह समस्या है तो काला नमक और अजवाइन दोनों को बराबर मात्रा में लीजिए। सुबह शाम इसका सेवन करने से पेट के कीड़े दूर हो जाएंगे। अनार के छिलके, बच्चों और बड़ों दोनों में पेट के कीड़े हो जाएं तो यह बहुत ही फायदेमंद उपचार है। अनार के छिलकों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लीजिए। यह चूर्ण दिन में 3 बार एक एक चम्मच लीजिए। कुछ दिन तक इसका सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। नीम के पत्ते, नीम के पत्तों का सेवन करने से पेट की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। नीम के पत्ते एंटीबायोटिक होते हैं, जो पेट के कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। नीम के पत्तों को पीसकर उसमें शहद मिलाकर पीने से जल्दी फायदा होता है और कीड़े नष्ट हो जाते हैं। सुबह के वक्त इसका सेवन करना अधिक फायदेमंद होता है। इसके अलावा टमाटर के जरिए, टमाटर का प्रयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। टमाटर को काटकर उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर इसका सेवन कीजिए। इसका सेवन कुछ दिनों तक करने के बाद पेट के कीड़े गुदा मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। लहसुन की चटनी, पेट की समस्या दूर करने के साथ आंतों को पूरी तरह से साफ करने के लिए लहसुन का प्रयोग करें। अगर बच्चे या बड़े किसी को भी पेट में कीड़े हैं तो उसे लहसुन की चटनी खिलाएं। लहसुन की चटनी बनाकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सुबह शाम खाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते, तुलसी भी एंटीबायोटिक होती है। किसी भी प्रकार के संक्रमण के उपचार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पेट में कीड़े होने पर तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस दिन में 2 बार पीने से पेट के कीड़े मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसका सेवन करने से आंत पूरी तरह से साफ हो जाती है और पेट में गैस व कब्ज की भी शिकायत नहीं होती है। कच्चे आम की गुठली, बच्चों या बड़ों में आंत में कीड़े पड़ गए हैं तो कच्चे आम की गुठली का सेवन करने से कीड़े मर जाते हैं, मल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए बच्चे आम की गुठली का चूर्ण दही या पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से कुछ ही दिनों में आंत के कीड़े बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पेट के कीड़ों को खत्म करने के घरेलू उपाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।